पाकिस्तान के पिशावर च लगातार सिखा के उत्ते हमले किए जा रहे, उन्होंने टारगेट बनाया जा रहा। पिछले दो दिनों के अंदर दो कातलाना हमले किए गए, एक सरदार मनमोहन सिंह जी उत्ते, सरदार तरलोक सिंह जी के उत्ते। सरदार तरलोक सिंह जी ते परसों हमला किया गया, पर उन्हां दी जानलेवा हमला के बावजूद हस्पताल अंदर अजे एडमिट ही सी। कल सरदार मनमोहन सिंह जी जो कि परचून का काम करते और कल्ले कल्ले ब्रेड अर्नर से अपने घर के, उन्हां दा कतलियाना हमला किया गया जिहदे अंदर उन्हां दी मौत हो गई। पिशावर चों सिखां नूं पिशावर छड्डण की लगातार चेतावनियां दित्तियां जा रही ने। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंस तो बाद लगभग 20 लाख परिवार रहिंदे सी, जिहड़े कि अज केवल मात्र 6000 परिवार 7000 परिवार रह गए ने। और निरंतर सिखां नूं हिदायत दित्ती जा रही कि मुल्क छड्ड दिओ, अकलीतां दे उत्ते अत्याचार किया जा रहा, उत्थों दी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। मैं हुणे विदेश मंत्रालय नाल भी गल कीती, जिहड़े जॉइंट सैकटरी पाई ने उन्होंने मेरा संपर्क चा, मैं उन्होंने कहा कि असीं पाकिस्तान नूं कल समन करांगे, उन्होंने हाई कमिशन के लोगों को इतने कल तलब करांगे। लेकिन इन्हां चुनौतियों के बावजूद साडे सिख जिहड़े उत्ते सुरक्षित नहीं। मैं इसकी कड़ी निंदा करते हुए उत्थों के प्रधानमंत्री नूं यह कहना चाहुंदा है कि जे तुसीं सिखां दे इन्ने वड्डे कतलेआम हमले होने तो बाद एक अल्फाज भी नहीं बोल सकते तो इस तो वड्डी शर्म की गल आ। अकलीतां उत्थे सेफ नहीं, ये सारे असीं जाणदे हां। मैं भारतीय सरकार दे अगे फिर तो बेनती करदा हां कि वह जोरदार तरीके नाल प्रोटेस्ट करन ताकि साडे सिखां नूं उत्थे सुरक्षा मुहैया कराई जा सके।